नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। प्रदेश की सियासत का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी की लिस्ट बाहर आने के बाद जिनके भी टिकट कटे थे उनकी प्रतिक्रिया बाहर आ गई है। कुछ बगावत पर उतर रहे हैं तो कुछ का दिल टूट गया है और उनकी हालत उनके आंसुओं से बयां हो रही है। अब बारी आई है कांग्रेस की लिस्ट की। वैसे तो राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पहले सूची जारी करने का दावा कर रही थी, लेकिन लिस्ट पहले भाजपा की आई। 41 नामों की पहली लिस्ट में भाजपा ने कांग्रेस के 12 मंत्रियों सहित 17 दिग्गजों की सीट पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। लिस्ट लगभग तैयार है। 15 अक्टूबर के बाद कभी भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि लिस्ट में 100 से ज्यादा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। भाजपा के लिस्ट आने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे इन 41 सीटों पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, क्या सियासी संकट के साथ देने वाले 13 निर्दलीयों को कांग्रेस फिर टिकट देगी, क्या कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी या कुछ जगह गठबंधन होगा, और सबसे बड़ा सवाल आया है कि अब तक पॉलिटिकल सीन से दूर सचिन पायलट अब प्रदेश स्तर पर सक्रिय होंगे या नहीं। चुनाव में कुछ ही समय बचा है, लेकिन फिलहाल दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट प्रदेश स्तर पर सक्रिय नजर नहीं आ रहे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पायलट प्रदेश स्तर पर कब सक्रिय होंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पायलट अपने समर्थक विधायकों के टिकट पर नजरें बनाए हुए हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने की देर है, इसके बाद पायलट भी प्रदेश के दौरे करते हुए दिखाई देंगे। पायलट की अपील को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान प्रचार की स्ट्रेटेजी में केवल गुर्जर बाहुल्य सीटों पर ही नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान की मीणा बाहुल्य सीटों पर भी उन्हें प्रचार के लिए भेजेगा। वहीं टिकट फाइनल होते ही पायलट अपने समर्थक विधायकों के लिए अपने स्तर पर प्रचार में जुटेंगे। फिलहाल सचिन पायलट राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभाओं में नजर आ रहे हैं। इससे इतर पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में भी काफी सक्रिय हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने और विपक्ष में पार्टी होने के कारण प्रदेश भर में जमकर दौरे कर चुके थे। गहलोत के कैबिनेट मंत्री वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी चाहती है कि हेमाराम चुनाव लड़े। पार्टी बड़े चेहरों को लेकर स्पष्ट है कि उन्हें ही चुनाव लड़वाना है। कोटा में गहलोत के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल अपनी सेहत के कारण इन चुनावों में खुद के लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे। सूत्रों के अनुसार वे भी अपने बेटे अमित धारीवाल को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। गहलोत सरकार ने वर्ष 2020 में झेले सियासी संकट के दौरान सभी 13 निर्दलीय उनके खेमे मौजूद रहे। यहां तक कि बीटीपी के दोनों विधायक और सीपीआईएम के एक विधायक बलवान पुनिया भी बाड़ाबंदी में शामिल हुए। प्रदेश नेतृत्व 13 निर्दलीय विधायकों में से 11 को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाह रहा है। वहीं कांग्रेस में एक धड़े का कहना है कि जिन बागियों के कारण कांग्रेस ने सीटें गवाई उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ऐसे में कुछ सीटों पर डिसीजन अटका हुआ है। दो निर्दलीयों ओम प्रकाश हुडला और बलजीत यादव के नाम कांग्रेस ने अपनी सूची से बाहर कर दिए हैं। ओम प्रकाश हुडला लगातार भाजपा के संपर्क में है और वे वहां शामिल होना चाह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े महादेव सिंह खंडेला बाबूलाल नागर को इस बार नुकसान करने का मौका नहीं देना चाह रही। वही मौजूदा विधायकों के भी टिकट काट कर पिछले चुनाव के जैसे बगावत से होने वाले नुकसान से भी बचना चाह रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 125 से 130 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन बागियों ने 25 सीटों पर कांग्रेस को सीधे नुकसान पहुंचाया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।